नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे होंगे। अभी ये जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें भी आपको समझाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं, आप उसको फॉलो करिए। हाँ, कुछ बच्चों की इंक्वायरी इस पर रहती है कि सर आप सभी का रिप्लाई नहीं कर पाते हो। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो लगभग रात के 3 से 4 घंटे बस रिप्लाई करने में जाते हैं, और पूरी कोशिश रहती है कि हर एक बच्चे का जो भी सोशल मीडिया पे कमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका रिप्लाई ज़रूर करूं मैं, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, या आपके यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में। आप देखोगे कहीं ना कहीं रिप्लाईज आपको दिखते भी हैं मेरे। यही है कि कुछ लोग मिस हो जाते हैं, सो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं हर किसी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूं। वीडियोज बनाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि यहां पे बहुत सारे बच्चों की समस्या एक साथ सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो फाइनली आज ये वीडियो हजारों की संख्या में बच्चों को बेनिफिट्स देने वाली है, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे ये वीडियो रिकमेंड करे और लोगों तक अपने आप पहुंच जाए, और आप इसको शेयर करोगे तो भी लोगों तक पहुंच जाएगा। सो प्लीज़ कर भला तो हो भला, आप हमें हेल्प करें, हम आपको हेल्प करें, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है कि BHU 2023 UG काउंसलिंग, PG के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसका स्टेप बाई स्टेप कोर्स अलोकेशन प्रोसेस क्या है, और ये जब आपके पोर्टल पर आएगा तो कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारा आ चुका है, और आने के बाद आपकी क्या उसमें प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या आपका रोल होना चाहिए, क्या पेमेंट मेथड होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो आज इस वीडियो में आप समझ जाओगे। सो फाइनली वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपको हर एक पॉइंट्स मानस पटल में बैठ जाए। दोस्तों, बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता है कि हमें BHU काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना होता है, BHU ऑनलाइन यानी इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ जाना होता है। उसके बाद हम UG होते हैं तो UG लॉगिन करेंगे, PG होंगे तो PG स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, हम लोग UG एंड PG लॉगिन करेंगे। यहाँ पे एक डाउट क्लियर होता है, उसको मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं सीधे एक स्टार्टिंग से आपको करके दिखाते हैं कहाँ पे डाउट क्लियर। BHU ऑनलाइन मैंने ओपन करा, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करा ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लॉगिन करने लगते हैं, स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन, यहाँ से लॉगिन नहीं करना है, ये आपका प्लेस नहीं है। आफ्टर एडमिशन ये आपका पोर्ट, जैसे मैं यहाँ का छात्र हूँ तो मैं लॉगिन जब करूँगा अपना स्कोर कार्ड देखने के लिए, अपना पेपर देखने के लिए, अपना इनरोलमेंट नंबर देखने के लिए, अपना हिंदी में नाम देखने के लिए, अपना ग्रेड कार्ड देखने के लिए, तो यहाँ से मैं क्लिक करके लॉगिन करूँगा। लेकिन अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप यहाँ नहीं करोगे, आप जब भी करोगे आपका जो यहाँ मेथड दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका UG PG का ये जो पोर्टल है आपका, यहाँ से आपको करना है UG का या PG का, ठीक है, ये PG के बच्चे हैं तो PG के यहाँ से करेंगे, तो आपका मेथड यहां से अभी है, वहां से एडमिशन के बाद होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोसेस पे। उसके बाद आपका डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूं। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता होगा, जहां से आप लोग अभी तक प्रिफरेंस भरते आए हो, जहां से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिव्यू फॉर्म, अप्लीकेशन फॉर्म, रूल्स रेगुलेशन वगैरह वगैरह ये सब पढ़े होंगे, सबको अच्छे से याद भी होगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए पूरा, ठीक है। जैसे आप देखो ये कुछ इस तरीके से, अब ये देखो ये डैशबोर्ड इतना बड़ा हो गया। अब इस डैशबोर्ड में एक नया आइकन जुड़ा होगा, वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर काउंसलिंग। यहां पे एक डैशबोर्ड हुआ करता था, यहीं पे हुआ करता था आपका कोर्स अलोकेशन का, या फिर वो भी आएगा, मैं आपको सभी कंडीशन बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको सभी कंडीशन बताऊंगा कि यहाँ पे क्या अब ऐड होगा। होता क्या है कि इसमें 3 कंडीशन क्रिएट हो रहा है, या तो कोर्स अलोकेशन इसके बॉक्स में आएगा, इसके अंदर आएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के कल रात में बाई मिस्टेक आ गए थे, तो इसके अंदर आपको ओपन करके जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, या तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है,
यहाँ पे छठा है, यहाँ पे एक और ऐसे बन के आ जाएगा और वहां पे लिखा रहेगा कोर्स अलोकेशन, या तो इसके अंदर आएगा या तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब उसके बाद की जो कहानी है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको साइड कर दिया, इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इसको ले आते हैं। ये वाला आप देख रहे होंगे, ये पोर्शन है आपका, या तो इसमें आया होगा तो क्लिक करके आपको देखने को मिलेगा, या साइड में आएगा कोर्स लोकेशन तब आपको देखने को मिलेगा। ये हर एक किसी को ब्लैंक नजर आएगा। अभी किसी को कैसा नजर आएगा, जैसे यहां पे ब्लैंक नजर आ रहा है। एक्चुअली ये मोबाइल डैशबोर्ड है, मोबाइल में किसी ने देखा है तो इस तरीके से आ रहा है। जब लैपटॉप पे देखोगे तो कुछ ये इस तरीके के फॉर्मेट में आएगा, ऐसे पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में। अभी ये पोर्ट्रेट में, आगे मैं बता रहा हूं वो भी आप देख लेना। ठीक हो, अब देखो क्या होता है। ठीक है, इसको भी मैं साइड में कर दिया, अब इसको ले आओ इधर। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका एक्चुअल डैशबोर्ड है, ये आपका एक्चुअल डैशबोर्ड है। मैं दोनों को ऐसे लाइन पे लगा देता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसको हाई साइड में हटा दो। ये आप डैशबोर्ड देख रहे हो, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब एग्जैक्टली इस डैशबोर्ड को देखो, ये डैशबोर्ड आपके कोर्स अलोकेशन का एज इट इज डैशबोर्ड है, जहां पे आपको विजुअल होगा कि हाँ आपका कोर्स कैसे आया हुआ है। यहां पे आपको सीरियल नंबर मिलेगा, मतलब सीरियल नंबर 1, ठीक है, ऐसे करके सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, ऐसे करके आपका जैसे जैसे कोर्स अलोकेशन आएगा 1, 2, 3 होता जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी होगा और यहाँ पे एनटी एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, यहाँ पे कोटा होगा। कोटा मतलब आपको इम्प्लाई वार्ड मिला है, PWD मिला है, आपको OBC मिला है, SC मिला है, ST मिला है, VHU कोटा मिला है। तो यहाँ पे आपका कोटा रहता है, यहाँ पे राउंड्स रहता है कि किस राउंड में आपको मिला है, और यहाँ पे आपका होता है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। यानी सपोज कि आज अभी स्टार्ट होने वाला है तो आज यहाँ पे आज से 24 घंटे बाद का कोई डेट दिया जाएगा, सपोज कि 4th ऑफ अगस्त, जो लास्ट डेट पेमेंट का दिया जाता है उससे पहले आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, और ये होता है आपका टोटल फी, और यहाँ पे होता है व्यू। जैसे व्यू पे क्लिक करते हो आपकी पेमेंट आईडी जनरेट हो जाती है और वहां से आपको पेमेंट क्लियर करना होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक हम लोग नीचे देखते हैं, जो कि कल रात में बाई मिस्टेक एडमिशन कमेटी के थ्रू चला गया था कुछ लोग के पोर्टल पे। ध्यान देना, ये गलतियां एडमिशन कमेटी से होती रहती है, सो प्लीज आप लोग माइंड मत करना ज्यादा। ठीक है, और हम लोग बताने के लिए है कि कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं ये लोग। देखो, अब मैं इसको ऊपर ले आ रहा हूं। आपको मैं बताया था सीरियल नंबर, देखो सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, एनटी एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे देखो इनको प्रोग्राम ऑफर किया गया। ठीक है, यहाँ पे इनको प्रोग्राम ऑफर किया गया है, और यहाँ पे कोटा में जनरल है, ये जनरल स्टूडेंट थे तो जनरल है। राउंड में पहला, लास्ट डेट में 29 से बैक डेट का है, मैं बताया ना मिस्टेक हो गया था इन लोग से, और पेड 0 है। अभी इनका पेमेंट यहाँ पे नहीं शो कर रहा था, क्योंकि ये आप लोग में शो करेगा, जब आपका आएगा तो शो करेगा कि हाँ इतना पेमेंट आपको करना है, और यहाँ से व्यू क्लिक करोगे तो बाकी ओवरव्यू जो है ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो 1, 2, 3 का मेथड है, जैसे कि एक आया, दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है, पांचवा आ सकता है, इसका मेथड समझो। इसका मेथड ये होता है, सपोज कि आज आपको ऑफर किया गया है, अब एक एग्जांपल ले लो, बीए का बच्चा जो है वो आर्ट्स में डाला और सोशल में डाला, उसको पहले दिन आया हुआ है आर्ट्स का लोकेशन। कभी कभी सब एक दिन, एक ही दिन में भी आ सकता है, आपको च्वाइस करना पड़ेगा। अब पहले दिन किसी बच्चे का आ गया आर्ट्स में, सपोज कि यहाँ पे आर्ट्स का आया हुआ है, ठीक है, और दूसरे दिन सोशल का आ गया। अब यहाँ पे सोशल का आ गया भाई, अब सोशल का जब आएगा तो सीरियल नंबर 2 हो जाएगा। सोशल में क्या सब्जेक्ट मिल रहा है वो यहाँ पे लिखा रहेगा, किस कोटा से मिला है, और यहाँ पे जाके पेमेंट। आप सपोज कि पहले वाला पेमेंट कर चुके हो, आर्ट्स का पेमेंट आप कर चुके हो, ध्यान से समझो मेरी बात को, आर्ट्स का पेमेंट आप कर चुके हो। अब आप देख रहे हो कि आज सोशल का आ गया, या मैं मानता हूं कि आप सोशल का पेमेंट कर चुके हो, आपका BA LLB का आ गया, या आप BCOM का पेमेंट कर चुके हो, आपका साइंस का आ गया। मतलब बच्चा बहुत सारा मल्टी कोर्स भरता है ना भाई, तो अगर दूसरा पेमेंट यहाँ पे आया हुआ है, जैसे ही आप सेकंड पेमेंट करते हो पहला पेमेंट कैंसिल हो जाता है, और ऑटोमेटिकली आपका पहला कोर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत कॉन्शियसली काम करना है कि आपको जिसमें एडमिशन लेना है उसका पेमेंट हमेशा करना है, लेकिन उसके बाद किसी में नहीं करना है। समझ गए मेरी बात? जैसे सपोज